सो फ्रेंड्स, सेल्स ट्रिगर के बारे में हमने बात की, तो इस सेल्स ट्रिगर की सीक्वेंस क्या होनी चाहिए? सबसे पहले बेनिफिट या फीचर समझाओ, सेकंड डराओ, थर्ड अफसोस कराओ कि आपने प्रोडक्ट नहीं ली तो ये लॉस हो जाएगा, उसके बाद ऑफर करो तब जाके आपका सेल होता है। आपके प्रोस्पेक्ट को आपको इन तीन चीजों से पास करवाना होगा बिफोर यू ऑफर समथिंग। पहले बेनिफिट समझाओ, उसके बाद डराओ, उसके बाद अफसोस कराओ। अब रियल एस्टेट का मैं हमेशा एग्जाम्पल शेयर करता हूँ कि भाई दीज आर दी 10 थिंग्स यू मस्ट कंसिडर बिफोर बाइंग अ प्रॉपर्टी। उसके बाद फियर वाला लिखो कि 5 डॉक्यूमेंट्स यू मस्ट चेक, और उसमें केस स्टडी दे दो कि किसी और ब्रोकर से हमारे क्लाइंट ने बाय कर लिया था, उसने डॉक्यूमेंट चेक नहीं किए थे, और अभी प्रॉपर्टी खरीदने के बाद वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, और 20-25 साल तक आप जानते हो कोर्ट्स में क्या होता है, इसका सॉल्यूशन नहीं आने वाला। डराओ, उसके बाद अफसोस कराओ कि भाई यही सही टाइम है प्रॉपर्टी बाय करने के लिए, आगे चल के प्रॉपर्टी के जो प्राइसेस है वो हो सकता है बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए। सो रिग्रेट, उन्हें अफसोस कराओ। इसी से अर्जेंसी क्रिएट होती है कि अगर अभी मैंने एक्ट नहीं किया तो आगे चल के मुझे लॉस होने वाला है। सो सबसे पहले बेनिफिट या वैल्यू समझाओ, डराओ, उसके बाद डराओ यानी नेगेटिव वे में इससे मत समझना, डराओ इन द सेंस एक तरीके से ये भी अर्जेंसी क्रिएट करने की बात हो गई या सीरियसनेस क्रिएट करने की बात हो गई। सो हैव अ सेंस ऑफ फियर, एक छोटा सा फियर का सेंस होना चाहिए कि इन इन चीजों पे मैं अगर फोकस नहीं करता हूं तो कुछ ना कुछ मेरा लॉस होगा, और उसके बाद अफसोस कराओ। एंड देन इस स्टेज पर जो लोहा है गर्म हो गया, और उस गर्म लोहे पर अब टाइम है कि हथौड़ा मारा जाए, ताकि आप जिस फॉर्मेट में उस लोहे को मोल्ड करना चाहो उसमें आप मोल्ड कर सकते, यानी कि आपके प्रोडक्शन सर्विसेज ऑफर कर दो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। इसी से फ्रेंड सेल्स होता है। सो दिस इज स्ट्रैटेजी हम हमारे क्लाइंट्स के लिए भी रिकमेंड करते हैं और हम खुद भी इंप्लीमेंट करते हैं। बेनिफिट, फियर, रिग्रेट, ऑफर, दिस इज हाउ सेल्स इज डन। दिस कंक्लूड्स अवर सेशन। थैंक यू वेरी मच।